के विधायक राम कुमार कश्यप ने इंद्री विश्राम गृह में हलके के लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं विधायक राम कुमार कश्यप व उनके समर्थकों ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में लड्डू बांटे। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वो विश्राम गृह में हलके के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इस मौके पर कुछ समस्याओं को तो उसी समय अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर हल कर दिया जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति पर विधायक ने कहा कि वो एक सुलझे हुए नेता है और उनको संगठन का काफी अनुभव भी है। उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी, यह हाईकमान का एक अच्छा निर्णय है। लॉकडाउन के दोबारा लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन दोबारा से नहीं लगेगा। कश्यप ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री के हाथ में है, इसमें आखिरी निर्णय उनका ही होगा कि कौन मंत्री बनेगा। विपक्ष द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने के लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि यह सब गलत है। जो कोई भी पार्टी ऐसा आरोप लगाती है तो उसे इस बात के प्रमाण देने चाहिए। कश्यप ने कहा कि बरसात के मौसम के बाद इंद्री की सड़कों पर फिर से काम शुरू किया जाएगा और कोई भी गड्ढा सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, हाईकमान ने यह फैसला करना है कि यह सीट किसको मिलेगी। जो भी चुनाव में हमारी पार्टी से ही चुनाव लड़ेगा वो विजयी होगा। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कहते नहीं है, समस्या है। देखिएगा, जैसे जैसे कोई विकास होता है, काम बढ़ते जा सकते हैं तो मतलब बढ़ते चले जाएंगे। ये कोई है नहीं भी मतलब काम हो गया, कहते हैं तो खत्म होने नहीं, कभी भी एक समस्या खत्म होकर दूसरी पैदा हो जाएगी, समस्या ये चलती रहेंगी। तो बहुत सी समस्या आई मेरे सामने, रोजगार की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या आई है, बिजली के संबंधी समस्या आई है, पानी से संबंधित आई हैं, तो अन्य और कई समस्या आई हैं जिनका कईयों को तो मैंने फ़ोन करके उनका दूर करने का काम किया उनको। बाकी कई समस्याएं ऐसी हैं जो मैं, मुझे समय लगेगा तो बैठ करके वो एप्लीकेशन से मैं डिस्कस करूँगा अधिकारीगण से, तो उन समस्याओं को उनको दूर करने का काम करें किया जाएगा। अच्छा, पार्टी जो है इसमें जो है, जो हाई कमांड ने जो निर्णय लिया है बड़ा सोच समझ के लिए, ये हमारे पहले तजर्बेकार मंत्री रहे हैं, इन्होंने कई संगठनों में काम किया है, तो उनकी इस तजर्बे को देख करके उनकी वो इस उनकी नियुक्ति की गई है। और बाकी जो है देखो, हाई कमांड ने नियुक्ति की है, हाई कमांड ने जो किया है वो देखो, हम उस सिर माथे पे हम उसका स्वागत करते हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अच्छा प्रकार से निर्णय लेकर के सही आदमी को नियुक्त किया। इसके अलावा मैं इसमें कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये संभव नहीं है, बस ये एक दूसरे के अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई लॉकडाउन नहीं, नहीं नहीं कोई लॉकडाउन नहीं। अगर देखो, अगर स्थिति कोई नाजुक हो जाती है भयंकर, देखो फिर तो आप जानते, फिर तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बचाने के लिए नागरिकों को करना पड़ेगा फिर, परंतु ऐसी स्थिति कोई नज़र नहीं आ रही अभी काम में, विकास बाकी तो अब भी कोई पीछे भी कोई कमी नहीं रही, अब भी कोई कमी तो नहीं है, परंतु फिर भी मान के चलो थोड़ा बहुत। देखो ये सारे जानते हैं, मैं कहूँ जी नहीं आएगी या बराबर होगा, आएगी उसमें बिल्कुल आएगी, नहीं चल पाते। देखिएगा, ये पार्टी का काम है, संगठन का काम है, हमारी पार्टी हमेशा से जो है बीजेपी पार्टी जो है संगठन के काम में लगी रहती है। आपने देखा इसमें कितनी मीटिंगें हमारी, लॉकडाउन में भी न्यूक मीटिंग हुई हैं, ऑनलाइन मीटिंग हुई हैं, तो पार्टी जो है अपनी हर समय तैयारी रखती है और हर एक पार्टी अपनी योजना बनाती है संगठन के लिए, तो हमारी पार्टी भी बना रही है। नहीं, इलेक्शन तो देखो ये तो निश्चित है कि जब चुनाव होगा इसमें पार्टी जो विजय पार्टी कैंडिडेट होगा विजय होगा, क्योंकि अब के जो बार है जेजेपी के साथ लड़ करके हम गठबंधन में ये चुनाव लड़ेंगे। चलो जिसको भी दे, वो तो हाईकमान दोनों पार्टियों का वो है, जो भी समझौता होगा किसको देनी है सीट, जिसको भी सीट जाएगी तो निश्चित तौर से वो विजय कैंडिडेट विजय होगा। वहाँ से फिर रहती है भ्रष्टाचार है, तो ये अगर ऐसा लगता है तो उसको प्रूफ दें, प्रमाण दें, कार्रवाई होगी उसकी पूरी, उसके जो भी करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कोई गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ठीक है, ये तो किसान के लिए थोड़ा उसको वो करने के लिए, आज़ादी देने के लिए भी अपना नाच कहीं बेचे, मतलब स्वतंत्र है किसान, उसको इंद्री बेचे, लाडवा बेचे और कहीं बेचे, अच्छी बात है। तो ये जो विरोध कर रहे जाएगी क्या, क्या मतलब? नहीं, अगर इनको कोई शंका लगती है तो सरकार इनकी शंका को दूर करने काम करेगी। अगर इनको लगता है अभी कहीं इनका नुकसान होने वाला, पर मैं नहीं मानता इनका इससे कोई नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा सरकार इसकी पूरा ध्यान रखेगी, इनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का, आढ़तियों का राष्ट्र के प्रदेश के निर्माण में अहम योगदान होता है, तो इसलिए ये यहाँ एक पार्ट हैं जो बहुत सेवा कर देते हैं जनता को, सरकार को,
इनको नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, मैं ऐसा आपसे कह सकता हूँ। अच्छा। कहते नहीं है, समस्या है। देखिएगा जैसे जैसे कोई विकास होता है, काम बढ़ते जाते सिखाते हैं तो मतलब बढ़ते चले जाएंगे। ये कोई है नहीं भी मतलब काम हो गया अब सिखाते हैं तो ख़त्म होनी नहीं, कभी भी एक समस्या ख़त्म होकर दूसरी पैदा हो जाएगी, समस्या ये चलती रहेंगी। तो बहुत सी समस्या आई मेरे सामने, रोजगार की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या आई है, बिजली के संबंधी समस्या आई है, पानी से संबंधित आई हैं, तो अन्य और कई समस्या आई हैं जिनका कईयों को तो मैंने फ़ोन करके उनका दूर करने का काम किया उनको। बाकी कई समस्याएं ऐसी हैं जो मैं, मुझे समय लगेगा तो बैठ करके वो एप्लीकेशन से मैं डिस्कस करूँगा अधिकारीगण से, तो उन समस्याओं को उनको दूर करने का काम करें किया जाएगा। अच्छा। पार्टी जो है इसमें जो है जो हाई कमांड ने जो निर्णय लिया है बड़ा सोच समझ के लिए, ये हमारे पहले तजर्बेकार मंत्री रहे हैं, इन्होंने कई संगठनों में काम किया है, तो उनकी इस तजर्बे को देख करके उनकी वो इस उनकी नियुक्ति की गई है। और बाकी जो है देखो हाई कमांड ने नियुक्ति किया है, हाई कमांड ने जो किया है वो देखो हम उस सिर माथे पे हम उसका स्वागत करते हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अच्छा प्रकार से निर्णय लेकर के सही आदमी को नियुक्त किया। इसके अलावा मैं इसमें कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये संभव नहीं है, बस ये एक दूसरे के अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई लॉकडाउन नहीं, नहीं नहीं कोई लॉकडाउन नहीं। अगर देखो अगर स्थिति कोई नाजुक हो जाती है भयंकर, देखो फिर तो आप जानते हैं फिर तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बचाने के नागरिकों करना पड़ेगा फिर, परंतु ऐसी स्थिति कोई नज़र नहीं आ रही अभी। काम में विकास, बाकी तो अब भी कोई पीछे भी कोई कमी नहीं रही, अभी कोई कमी तो नहीं है, परंतु फिर भी मान के चलो थोड़ा बहुत। देखो ये सारे जानते हैं, मैं कहूँ जी नहीं आएगी या बराबर होगा, आएगी उसमें बिल्कुल आएगी, नहीं चल कर। देखिएगा ये पार्टी का काम है, संगठन का काम है, हमारी पार्टी हमेशा से जो है बीजेपी पार्टी जो है संगठन के काम में लगी रहती है। आपने देखा इसमें कितनी मीटिंगें हमारी, लॉकडाउन में भी न्यूक मीटिंग हुई हैं, ऑनलाइन मीटिंगें हुई हैं, तो पार्टी जो है अपनी हर समय तैयारी रखती है और हर एक पार्टी अपनी योजना बनाती है संगठन के लिए, तो हमारी पार्टी भी बना रही है। के लिए नहीं, इलेक्शन तो देखो ये तो निश्चित है कि जब चुनाव होगा इसमें पार्टी जो विजय पार्टी है वो कैंडिडेट होगा, विजय होगा, क्योंकि अब के जो बार है जेजेपी के साथ लड़ करके हम गठबंधन में ये चुनाव लड़ेंगे, चलो जिसको भी दे वो तो हाईकमान दोनों पार्टियों का वो है, जो भी समझौता होगा किसको देनी है सीट, जिसको भी सीट जाएगी तो निश्चित तौर से वो विजय कैंडिडेट विजय होगा। वहाँ से रहती है भ्रष्टाचार है, तो ये अगर ऐसा लगता है तो उसको प्रूफ दें, प्रमाण दें, कार्रवाई होगी उसकी पूरी, उसके जो भी करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, छोटा हो जाए बड़ा हो कोई बक्सा नहीं जाएगा। कोई गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ठीक है, ये तो किसान के लिए थोड़ा उसको वो करने के लिए, आज़ादी देने के लिए भी अपना अनाज कहीं बेचे, मतलब स्वतंत्र है किसान, उसको इंद्रिय बेचे, लाडवा बेचे और कहीं बेचे, अच्छी बात है। तो ये जो विरोध कर रहे जाएगी क्या क्या मतलब? नहीं, अगर इनको कोई शंका लगती है तो सरकार इनकी शंका को दूर करने काम करेगी, अगर इनको लगता है अभी कहीं इनका नुकसान होने वाला, पर मैं नहीं मानता इनका इससे कोई नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा सरकार इसकी पूरा ध्यान रखेगी, इनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का, आढ़तियों का राष्ट्र के प्रदेश के निर्माण में अहम योगदान होता है, तो इसलिए ये यहाँ एक पार्ट हैं जो बहुत सेवा कर देते हैं जनता को, सरकार को, तो इनको नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, मैं ऐसा आपसे कह सकता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.